अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो टेस्ट मेशर और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। ये वीडियो मेरा एसएस इंग्लिश या लेक्चरर इंग्लिश के लिए है। आपको पता है कि आपका टेस्ट 17/9/2022 को होने जा रहा है। मैं आपको बताता चलो कि 45 एमसीक्यूज बेस्ड होगा, यानी कि इसमें कुल 45 एमसीक्यूज होंगे और सारे के सारे आपके सब्जेक्ट ही से आएंगे। तो इसमें 134 मेल फीमेल और नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो आपने तैयारी के साथ जाना है। मैं आपके साथ फर्स्ट पेपर शेयर करता हूँ और उसके बाद जो सजेस्टेड बुक हैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ये है वो फर्स्ट पेपर 2018 का। पेपर को रीड करें, एक एक एमसीक्यू उसको पढ़ ले, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ से आए हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो आपने वीडियो को फास्ट करके उसको रीड करना है। आप इधर से देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट करके आप इधर से रीड करें उसको। मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। ये है पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 25। आप इधर से देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं इसको, वीडियो को फास्ट करके आप रीड करें इसको। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा डिम ज़रूर है लेकिन इसकी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पेपर है एसएस इंग्लिश 2018 का। वीडियो को पास करके आप रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। 76 क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट पेज पे बढ़ता हूँ। इधर से आप देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी होती जा रही, तो इसलिए मैं इसको इधर ही टर्मिनेट कर देता हूँ। आप इधर से पूरे पेपर को रीड कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है। बाहर के ये था एसएस इंग्लिश का पेपर। अब बढ़ता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर इंग्लिश का पेपर था, उसको थोड़ा सा रीड करते हैं। ये था वो पेपर जो 2021 में, मेरे ख्याल से 2021 में लिया गया था। वीडियो को फास्ट करके आप इधर से देख सकते हैं। इसमें ही था कि ज़्यादातर क्वेश्चन एम्पोरियम सीरीज से आए थे। ये बहुत डिम है मेरे ख्याल से, मेरे को भी दिखना ही नहीं रहा, तो आपको किस तरह दिखेगा। बाहर के मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। वीडियो के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सजेस्टेड बुक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि एम्पोरियम सीरीज़ जो है ये एक बेहतरीन बुक है। जो प्रीवियस लेक्चर इंग्लिश का पेपर था, ज़्यादातर इसी बुक से आया था। आपने कोशिश करनी कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसी को ख़रीदना है, ठीक है। एम्पोरियम सीरीज़ का बुक है। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ये है कारवान सीरीज़, बेहतरीन बुक है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरशिप। तो इसमें भी जो लेटेस्ट एडिशन है आपने वो ख़रीदना है, उसको स्टडी करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि सॉफ्ट फॉर्म में स्टडी बिल्कुल ना किया करें। अपने आप को आदि बनाए इसका कि आप बुक स्टडी करें, ठीक है। नेक्स्ट बुक पे चलता हूँ। ये है इस इंग्लिश के लिए।
असल में मैंने सिर्फ एमसीक्यूज़ बुक नहीं उठाया कि मैंने रैंडम इसको बस कहीं देख के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड की है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद सोहेल बट्टी, ये जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो टेस्ट लिया गया था तो उसमें भी इसी सीरीज से आया था, सारे के सारे एमसीक्यूज़ सोहेल बट्टी के बुक से थे। इसी तरह जो इंग्लिश एसेस या इंग्लिश लेक्चरर कहते हैं वो सारे के सारे एम्पोरियम सीरीज से उठाए गए थे। और इससे पहले जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ कारवान बुक से रिपीट हुआ करते थे, तो इसलिए मैं सबको आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि आपने इन सबको ख़रीदना है, उन सबको स्टडी करना है, इन सबको पढ़ना है, इसके बाद जो है आपने टेस्ट जाना है। ये है इल्मी सीरीज़, ये भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, इल्मी सीरीज़। नेक्स्ट बुक है, ये है डोगर सीरीज़। ठीक है, डोगर्स यूनिक। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपने pakmcqs.com में जो इंग्लिश पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ना है।